वेलकम गाइज, जीके एम्स क्विज एम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एम्स क्विज एम के चैनल को और पाइए रोजाना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपके लिए दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनके कॉम्बिनेशन यानी कि इन सभी के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन से, जो अच्छे क्वेश्चन से, ईजी भी है, हार्ड भी है, मिडल के भी है, सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर आपको चूज करना है और फिर इसका आंसर हम आपको बताएंगे, ठीक है। इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आपको जो लर्निंग है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, और आपका जो प्रैक्टिस जिसको आप बोलते हो वो भी इंक्रीज होगी। देखो, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, लार्जेस्ट यूनिट आपको बतानी है, डिस्टेंस ऑफ दूरी की, ठीक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई या फिर माइक्रोन। दूरी की सबसे बड़ी इकाई, ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस हो जाए तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो इसका राइट ऑप्शन है पारसेक। क्या है? पारसेक, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का तापमान है, चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का तापमान कितना होता है गाइस? द मिड डे टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मून, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 140 डिग्री सेंटीग्रेड। चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का तापमान आपको बताना है। अब अगर आपने चंद्रमा के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी की होगी या फिर आपने चैनल देखे होंगे डिस्कवरी वगैरह, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री के बारे में थोड़ी बहुत आप इंटरेस्ट रखते होंगे तो इजीली आपको आ जाएगा। चूज कर लिया होगा आपने चंद्रमा की सतह का मध्य दिन का तापमान, इसका राइट ऑप्शन 100, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले गहरे पेच क्या कहलाते हैं? डार्क पैच फाउंड इन फोटोस्फीयर ऑफ द सन इन कॉल्ड, सूर्य के प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले गहरे पैच क्या कहलाते हैं? वाले, दीप्तपुंज, सूर्य का दब्बा, ब्लैक होल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्य का दब्बा। अगला क्वेश्चन, विषम को पहचानना है जो कि पेंड ऑड, माइक्रोन, मोल, प्रकाश वर्ष, एंगस्ट्रम। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित किया जाता है माइक्रोन, फर्मी, एंगस्ट्रम, प्रकाश वर्ष। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित किया जाता है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एंगस्ट्रम, ठीक है। क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रम, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित किया जाता है, एंगस्ट्रम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर यानी कि ताप की एसआई इकाई है, सेकंड, केल्विन, सेल्सियस, फारेनहाइट, ताप की एसआई इकाई, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका केल्विन, ठीक है, केल्विन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? लाइटर यूज एक्सप्रेस यानी कि प्रकाश वर्ष का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की चाल, समय, दूरी। राइट ऑप्शन दूरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट, माइक्रोन, फर्मी, किलोमीटर, मिलीमीटर। राइट ऑप्शन इज फर्मी। अगला क्वेश्चन, 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु होते हैं? देखिए यहां पर जो दिया हुआ है कि जीवाणु का आकार 1 माइक्रो है, 1 मीटर लंबाई में कितने जीवाणु होंगे, जीवाणु का आकार यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1 मीटर लंबाई में कितने होंगे गाइज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 1 माइक्रोमीटर. फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 1 मीटर लेंथ. 10^-9, 10^-6, 10^6 या फिर 10^9. कितने जीवाणु होंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपको बताना है. लगाइए अपने गणित जो भी आपने सीख किए, और रफ पेज का आप यूज कर सकते हो. सो इसका राइट ऑप्शन 10^6. नेक्स्ट, निम्न में कौन सा यौगिक ओलियम से मिलता है. ओलियम जानते हो ना गाइज, केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने तो इजी आ जाएगा. विच कंपाउंड अमंग द फ्लोइंग इज कंटेन इज ओलियम. इसका आंसर के लिए पहले तो आपको ओलियम को जानना है. देखो, या कोई अगर कंपाउंड दिया हुआ है, कुछ विशेष नाम उनका होता है, वो आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, तो ओलियम से मिलता है. बताओ, अब जो इंटेलिजेंट होंगे वो इसका आंसर दे देंगे. सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका H2SO4. ठीक है, H2SO4 ये ओलियम से मिलता है. अगला क्वेश्चन, स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है, यह कथन किससे संबंधित है. बॉयल का नियम, अवगाद्रो नियम, गिलुसे का नियम, चार्ल्स का नियम. स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ठंडा करने पर घटता है, यह कथन किससे संबंधित. बहुत अच्छा क्वेश्चन. रूल याद होंगे आपको बॉयल के, अवगाद्रो के, गिलुसे के, चार्ल्स के, सब आपको आ जाएंगे. कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, बट देखो नियम, इसके जो रूल्स है, इनके जो प्रिंसिपल है, इनकी जो थ्योरीज है, वो अगर आपको याद होगी ना तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाओ इजीली उसको कर पाओगे. सो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा चार्ल्स का नियम. चार्ल्स का नियम और बॉयल का नियम, अवगाद्रो नियम, इनको याद रखना गाइज, इनकी थ्योरी को. अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उभयद्रवी ऑक्साइड बताइए. आपके सामने ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड. निम्नलिखित में उभयद्रवी ऑक्साइड बताइए. और गाइस आपको पता होना चाहिए कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, उपधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं. ठीक है, सो निम्नलिखित में से आपको उभयद्रवी ऑक्साइड बताना है, और बहुत सारा तो ऑप्शन चूज भी कर लिया होगा क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम मिलने वाला नहीं है. सो आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप जैसे क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद इमिजिएटली यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से क्विकली आप वन ऑप्शन चूज कर लो. सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयद्रवी ऑक्साइड है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयद्रवी ऑक्साइड है. चलो आगे, अगला क्वेश्चन, प्रोपेन के एक अणु में सहसंयोजक आबंध की संख्या है. द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेन. प्रोपेन के एक अणु में सहसंयोजक आबंध की संख्या है 8, 10, 12, 9. सो इसका राइट ऑप्शन चूज कर लिया होगा आपने, चूज कर लिया करो गाइस, बिना कहे आप वन ऑप्शन तो आपको करना ही चूज. जैसे हम इसको रीड करते, रीड होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आप इनको जैसे हम ऑप्शन बोलते हैं, तो आप चूज कर लिया करो जो भी आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 10. नेक्स्ट, LPG खाना पकाने वाले गैस के मुख्य अवयव. ये जो क्वेश्चन है ये गाइज हमारे टाइम पे आया था, ठीक है, जब हमने एंट्रेंस एग्जाम दिया था उस टाइम पे आया था ये. LPG खाना पकाने वाले गैस के मुख्य अवयव है मीथेन एवं एथेन, एथेन एवं प्रोपेन, प्रोपेन एवं ब्यूटेन, ब्यूटेन एवं पेंटेन. खाना पकाने वाली गैस का मुख्य अवयव आपको बताना है क्या होता है, इसमें चूज कीजिए. सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोपेन एवं ब्यूटेन. प्रोपेन एवं ब्यूटेन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा. और गाइस इसमें गंध किसके कारण आती है, आपने जो अपने रसोई में आपने देखा होगा, किचन में जो
आपके सिलेंडर होता है रसोई गैस, ठीक है, उसमें से ही गंध आती है, तो किसके कारण आती है? मेथाइल मर क्रैप्टन, मेथाइल मर क्रैप्टन, याद रखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मिला दिया जाता है ताकि आपको पता लग जाए कि कैस लिंकेज हो रही, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा, तो उसमें मेथाइल मर क्रैप्टन मिला दिया जाता है। कपड़ों को सुखाने के लिए रस्सी पर क्यों फैलाया जाता है? देखो साइंस है, अब आप कहोगे कि सुखाया जाता है, बट ऐसा थोड़ी इसमें साइंस है कि क्यों सुखाया जाता है। जिसे इसमें सलवट ना पड़े, उन्हें पूर्ण आकार में लाने के लिए प्रेस करना आसान होता है, उनमें पानी के वाष्पीकरण के दर को बढ़ाने के लिए, या फिर कपड़ों के रंग को सुरक्षित करने के लिए। बताओ, साइंस छिपी हुई है। अब आप किसी आम आदमी से ऐसे पूछोगे कि कपड़ों को रस्सी पर क्यों सुखाया जाता है, तो वो तो बेवकूफ़ समझेगा, बट ऐसा नहीं है, इसमें साइंस छिपा हुआ है। वो तो यही कहेगा सुखाया जाता है तो सुखाया जाता है, बट ये बात नहीं क्यों सुखाया जाता है, यहाँ पर क्या साइंस लगा हुआ है। जैसे अपन कहते हैं ना कि नीचे क्यों गिरती है वस्तु, आम आदमी के लिए तो गिरती है तो गिरती है, बट आपके लिए साइंस के स्टूडेंट हो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि यहाँ पर उनमें पानी के वाष्पीकरण की दर को बढ़ाने के लिए तार पे सुखाया जाता है, क्योंकि सत्तर पल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लुईस अमल वे योगी के जो बताइए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्मों का त्याग करते हैं। लुईस अमल वे योगी के जो बताओ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन के युग्मों को ग्रहण करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन, दहन की प्रक्रिया में गैस का अवशोषण होता है और गैस बाहर निकलती है, बताओ। ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस ऑफ गैस विच अब्सॉर्ब इन एंड द गैस गिव आउट, दहन की प्रक्रिया में कौन से गैस का अवशोषण होता है और कौन से गैस बाहर निकलती है, बताओ अब आंसर। N2 अवशोषित होती है, CO2 निकलते है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड अवशोषित होती है, CO2 बाहर निकलते है, O2 अवशोषित होती है, CO2 बाहर निकलते है, N2 अवशोषित होती है, या फिर O2 बाहर निकलती है दहन की प्रक्रिया में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका O2 CO2, यानी कि O2 अवशोषित होती है और CO2 बाहर निकलती है दहन की प्रक्रिया में, जी हाँ बिल्कुल। O2 क्या होता है गाइस, अगर किसी भी चीज़ को जलाना है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और जैसे वो जलेगी तो CO2 छोड़ेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। बिना ऑक्सीजन के आप पढ़ते आ रहे होंगे कि किसी भी चीज़ का जलना पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन है तभी जलती हो कोई भी वस्तु होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडे में टार्टरिक अम्ल का क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर, बेकिंग के समय सोडियम कार्बोनेट को दहन करने के लिए, मधुरक की तरह बुनी वस्तु को हल्का तथा परिफलन करने के लिए, परीक्षण की तरह। टाइम दिया जा रहा है आपको ऑप्शन चूज करने का, कोई दिक्कत नहीं, कर लिया होगा। सो राइट ऑप्शन, बेकिंग के समय सोडियम कार्बोनेट को उदासीन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सार है, बेस है यानी कि, ठीक है। और यहाँ पर जो आपसे पूछा गया कि बेकिंग टार्टरिक अम्ल एसिड है, तो सार और अम्ल मिलकर उदासीन तो होंगे सही, ठीक है, और CO2 गैस उत्सर्जित करते आपने देखा होगा। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन स्रोत को पहचानना है, मक्का, पालक, मसूर की दाल, घी। अगर आपने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा के सोर्स पढ़े होंगे तो इजीली आपको आ जाएंगे, और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, प्रोटीन के सोर्स कौन से, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन से, वसा के स्रोत कौन से, ठीक है, विटामिन वगैरह, तो प्रोटीन का सोर्स आपको पहचानना है। किस में होता है गाइस प्रोटीन, मक्के में, पालक में, मसूर की दाल में, घी में, बताओ किस में होता है। चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन है मसूर की दाल में, सिंपल सी बात है, दिमाग लगाने वाली बात है कि दालों में ही तो प्रोटीन होती है, ठीक है ना, और जो घी, तेल, चिकनी चीज़ें होती है इसमें क्या होता है गाइस, इनमें होता है फैट यानी कि वसा, ठीक है,
और पालक में आयरन, इस प्रकार विटामिन आप याद रख सकते हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, मीठी चीज़ें जैसे शुगर हो गया, गुड़ हो गया, ठीक है, जितनी मीठी चीज़ें ना वो आ जाएगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है दाल। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, सो वो भी दालों में से ही है, और वह आपका सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन। चलो आगे, निम्नलिखित में से क्या जंतुओं से प्राप्त नहीं होता है, यानी कि आपको याद होना चाहिए कि क्या क्या प्राप्त होता है। विच ऑफ दिस नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, मांस, दूध, अंडे, दालें, बताइए। ओह सिंपल सा क्वेश्चन है। सो गाइज, दालें प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, बट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है जानबूझ के, ठीक है ना। चलता है गीकोर। और गाइज, इसी थोड़े से अगर आपको हार्ड क्वेश्चन चाहिए तो हमारा जेकेलोन जॉब चैनल, आपके लिए दो दो चैनल हमने बना रखे ताकि आपको एक ही दिन में ज़्यादा वीडियो मिल सके। तो जेकेलोन जॉब चैनल को फॉलो कर लेना, लिंक नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन भी यही आएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में। सोयाबीन तथा एवोकाडोस मुख्य स्रोत है, सोयाबीन एंड एवोकाडोस आर रिच सोर्स कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के, रेसे के। सोयाबीन एवं किसके स्रोत है, आ गया होगा तो क्वेश्चन आपको, अभी तो हम इसको करके निकले। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोटीन के होते गए जी, मटर हो गया, चना हो गया, ठीक है, जितने भी दालें हैं, मसूर, मूंग, सब जानते हो, लड़कियां तो सब जानते होगी, दालें वाली बनाती होगी तो, ठीक है, उनको तो पता होगा क्योंकि उन दालें को बनाई होगी। अभी तो आप क्या है स्टूडेंट हो तो पता नहीं होगा, बट अगर आप हेल्प करते होंगे पता होगा घर में, ठीक है, कौन कौन सी दालें होती है, बहुत सारी होती है वैसे दालें, गर्ल्स को पता होगा। आलू, गाजर, चुकंदर तथा मूली पौधे का है, यानी कि यहाँ पर डेस आपको क्या आना चाहिए, यहाँ पर आलू, गाजर, चुकंदर तथा मूली पौधे का क्या है भाई, यहाँ पर क्या आना चाहिए, तना, जड़, फल, पत्तियाँ। देखो कौन किसका रूपांतरण है ये याद रखना, जड़ का रूपांतरण क्या है, पत्तियों का क्या है, फूल का क्या है ना, कलियों का क्या है। आलू, गाजर, चुकंदर, तामूली पौधे का है। सो गाइस, वो है आपका जड़, ठीक है, जड़, चुकंदर, मूली, जड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मिस प्रिंट हो कोई भी क्वेश्चन हो जाए तो बोल दिया करो, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व कर लेंगे, हो सकता है कोई भी क्वेश्चन मिस प्रिंट। निम्नलिखित में से किसको लाल मांस में सम्मिलित नहीं किया जाता है, बकरी का, मुर्गी का, सूर का, उपयोग में से कोई नहीं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मुर्गी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नट का अच्छा स्रोत है, नट आर गुड सोर्स, प्रोटीन का, वसा का, ए व बी दोनों का, विटामिन का। नट आपने देखा होगा ना खाने का आता, ठीक है, और अभी तक आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फॉलो कर लेना। और अगर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए तो बता देना, या फिर आपको पहले वाले चाहिए जो हम करते आ रहे थे तो बता देना कमेंट करके, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, किस इसी प्रकार के चाहिए या फिर पहले वाले चाहिए। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस आपका ए और बी दोनों, यानी कि प्रोटीन का और वसा का दोनों का नट अच्छा स्रोत होता है, तो बेस्ट होता है ये भी। और कमेंट करके आप बताइए कि आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए या फिर पहले वाले वीडियो चाहिए।